नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं का आलम जिला कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह परिहार कल्लू समेत उनके पदाधिकारी नहीं देते ध्यान। नए बस स्टैंड में यात्रियों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, गंदगी आलम बना हुआ है, फिर भी ऑफिस में बैठकर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शिकायत करना उसी दिन समझ रहे हैं। इस मामले में हमने परिवहन प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह परिहार सहित एक अन्य पदाधिकारी से बात किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना हुआ है, ये इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा मरगिया से किया गया, दिसंबर में किया गया। आज तक वहाँ कोई सुविधाएँ नहीं मिली है, सिर्फ नगर पालिका बसों से किराया जो भी बैठकी होती है वह वसूल रहे हैं। क्या लगता है किस वजह से अभी संगत बनी हुई है? यात्री काफ़ी परेशान रहते हैं, ना पानी सुविधा है ना कोई सुविधा। लोकार्पण तो है गया लेकिन सुविधा आज तक कुछ मिल भी नहीं है, और नगर पालिका वाले सिर्फ पैसा हुआ, बाकी यात्री मरिया गाड़ी वाले के जो पता नहीं हो जाए उसे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा और कांग्रेस के चक्कर वहाँ ये पूरा जनता। हाँ, ये बड़ी बात आपने बोले कि भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी के चक्कर में पिस रहा है। अब बाकी ये पैसा भर लेना है, मुर्गा लगे हैं, गुंडा जगह कहा था, आए वसूली उसके बाद चले गए, सुविधा के नाम पर जीरो है। यात्रियों को काफ़ी परेशानी, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो आप तो देखते ही हैं आते जाते। इसके साथ ही कुछ जगह जहाँ अघोषित बस स्टैंड बना दिया गया है, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ भी बसें नए बस स्टैंड में ही आती हैं, वहाँ बसें खड़ी होती हैं, क्या कहेंगे? सर, प्रशासन की लापरवाही कहें या प्रशासन की कमजोरी कहें, उनको इतना समय नहीं है कि वो स्टैंड को एक जगह संचालित करवाएं। बाकी प्रशासन से बड़ा तो ना बस वाला है, ना तो जनता है, ना कोई है। अगर वो चाह ले तो आज इकट्ठा हो जाए बस स्टैंड, हर जगह चौराहे चौराहे पर सिस्टम संचालित है, चाहे सम्राट चौराहा हो, चाहे सिगरौली वाला रोड चौराहा हो, टिकरी चौराहा हो, पुराने बस स्टैंड से पता नहीं कितना जाम लगता है, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा एक मामला था, अध्यक्ष मोदी ही उठाए थे, ऑटो। ऑटो एक सीमित क्षेत्र होता है, आज ऑटो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, बसों को नुकसान होता है। इस पर आप लोगों ने पुलिस से शिकायत नहीं किया, एसपी साहब से, या कैसे? हम लोग एसपी साहब से भी मिले थे, कलेक्टर साहब से भी मिले थे, उनका जवाब था। आप परिवहन प्रकोष्ठ के एक जिम्मेदार पद में बैठे हैं, बस संचालन की जिम्मेदारी के लिए आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या लगता है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की दुर्दशा को लेकर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग को जब बस स्टैंड का माननीय सीएम जी द्वारा उद्घाटन किया गया, ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था, उसके बाद ही कलेक्टर साहब, विधायक जी और एसपी साहब को भेज थे, हम लोग आवाज़ उठाए थे, उनसे निवेदन किए थे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था हुई उसके बाद, ना तो यहाँ झाड़ू व्यवस्था बस स्टैंड की, और बसें भी किसी में तीन बस स्टैंड बनाए, पुराना बस स्टैंड है उसमें भी हर जगह गाड़ियाँ लगती हैं, सम्राट चौराहे में आए दिन विवाद होता है, सम्राट चौराहे में आपके अमेलिया सियावल बारी और बिहारियाँ बस स्टैंड आती हैं, वहीं से वहीं बनाएंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑटो की बहुत समस्या है, ये नए बस स्टैंड में जब बसें आती हैं कहीं से भी आए तो ऑटो वाले चारों तरफ से जब लेन लेते हैं, बस बैक होकर खांचा में नहीं लग पाती। एक बड़ी बात आपने पहले भी किए थे कि ऑटो एक सीमित स्थान होते हुए जो नगर पालिका क्षेत्र के 4-6 किलोमीटर इर्द गिर्द भी जा सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ऑटो और सवारी इतना ज़्यादा होती है कि एक 10 से 20 सवारी बैठा के जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग मांग किए थे, कलेक्टर साहब से मांग किए थे कि ऑटो केवल नगर पालिका के, जो नगर पालिका के अंदर चलो ग्रामीण स्तर में जाए, जो ग्रामीण में चल रहे हैं नगर पालिका ना आए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है कि आप लोग ज्ञापन भी दिए हैं कलेक्टर को, एसपी साहब को भी दिए, जनप्रतिनिधि की उदासीनता मानी जा सकती है? बिल्कुल मानी जा सकती है, प्रशासन की उदासीनता है, कोई ध्यान नहीं देता बस वालों को। अभी पिछले महीने में परीक्षाएं चल रही थी,
ग्वालियर से लड़के आ रहे थे, तो बिना परमिट की कम से कम 10 गाड़ियां डेली आती थी। हम लोग थाने में, जमुई थाने में कई बार शिकायत किया, कोई भी सुनवाई किसी प्रकार की नहीं होती। ट्रैफिक में भी किया, आईटीओ में भी किया, कोई बड़ी बात होती है आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है, इसके लिए अगला कदम क्या होगा? इसके लिए अगला कदम देखिए, आगे सोचते हैं क्या करेंगे हम लोग। चूँकि चुनाव आने वाला है, अभी आप एक बात भी किए हैं, आपके परिवहन विभाग को चुनाव के दौरान सत्ता के नेता हथकंडा बनाते हैं, जबरदस्ती गाड़ियां बसें ले जाते हैं, उनका किराया मिल जाता है बराबर? नहीं, रैली वैली में गाड़ी ले जाते हैं, बहुत पैसा लोगों का पड़ा है। आईटीओ साहब द्वारा कई बार रैली में गाड़ी लेकर 2 लाख रुपये हम लोगों को पेंडिंग पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं होती। शिक्षा विभाग से गाड़ी तो भोपाल मेरी खुद ही गई थी, आज तक पेमेंट नहीं मिला। जाते हैं 2-3 बार गए वहाँ घूमते हैं, अभी तो बजट नहीं आया है। कितने महीने से कितने बसों का किराया पड़ा हुआ है? लगभग मान लीजिए कि सीधी जिले के ऑपरेटरों को मिला लिया जाए तो कम से कम 20 लाख रुपए पड़ा है रैली का पैसा। कितने बसों का? 100-150 बसों का है पूरे रैली, जितने भाजपा कार्यालय के चाहे सतना हो चाहे है ना। बिल्कुल, आई टू आखिर में इस समय हड़ताल भी मची है, हम लोग कोई भी। हाँ, कल से हड़ताल चालू हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।